गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट फोर्थ पार्ट ऑफ ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.1। इन द एडजॉइनिंग फिगर DE इज पैरेलल टू BC इफ AD 1.7 cm, AB 6.8 cm, AC 9 cm, फाइंड AE। तो ड्यू टू थेल्स थ्योरम ये हो जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। AD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.7, AB इज गिवन 6.8, AE वी हैव टू फाइंड आउट, AC इज गिवन 9 cm। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड आउट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AE इज इक्वल टू 1.7 इंटू 9 अपॉन 6.8, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 15.3 अपॉन 6.8, दैट विल बी 2.25 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट फर्स्ट, इसको देखेंगे। ABCD ये पैरेललोग्राम, ABCD ये पैरेललोग्राम है, P इज पॉइंट ऑन BC, BC पर कोई पॉइंट P है, एंड DP व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट AB प्रोड्यूस्ड एट L। जब DP को आगे प्रोड्यूस किया जाता है तो ये AB को L पर मीट करता है, ये इसमें प्रूव करना है। DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL, DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL। अब इस क्वेश्चन में इन ट्रेंगल ALD BP इज पैरेलल टू AD, तो क्या हो जाएगा LB अपॉन BA ड्यू टू थेल्स थ्योरम, LB अपॉन BA इज इक्वल टू LP अपॉन PD, LP अपॉन PD हो जाएगा। तो ये LB मतलब BL अपॉन AB इज इक्वल टू PL अपॉन DP, ये हो जाएगा। AB चूंकि DC के इक्वल है, चूंकि ABCD ये पैरेललोग्राम अपोजिट साइड से इक्वल होती, तो AB की जगह पर DP CD सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा BL अपॉन DC इज इक्वल टू PL अपॉन DP। यहां पर लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू CD। अब यहां पर हो जाएगा BL जो है अब इसको क्रॉस इंटरचेंज करेंगे, BL की जगह DP आ जाएगा, तो DP अपॉन इसकी जगह पर PL आ जाएगा इज इक्वल टू, ये इसकी जगह पर चला जाएगा DC अपॉन BL, ये प्रूव हो जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6
ए बी सी डी जे क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस आर द पॉइंट्स ऑन द ट्राई सेक्शन ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली एंड आर एडजेसेंट टू ए एंड सी, प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो इसमें गिवन लिखेंगे, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच पी क्यू आर एस आर ट्राइसेक्टेड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो इसके मान लीजिए ए बी के थ्री इक्वल पार्ट करें, इसी प्रकार से बी सी के थ्री इक्वल पार्ट करें, सी डी के भी थ्री इक्वल पार्ट्स करें और ए डी के भी थ्री इक्वल पार्ट्स करें। तो ट्राई सेक्टर यानी थ्री इक्वल पार्ट किए गए हैं, उसमें से वन वन के एरिया के ले लेंगे, ये वाला इससे मिलाया जाएगा और इसको इससे ज्वाइन कराएंगे और इससे ज्वाइन कराएंगे, ये पॉइंट हो जाएंगे पी क्यू आर एस। ए सी को ज्वाइन कराया गया है, तो हमें ये प्रूव करना है टू प्रूव पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ, अब इसमें देखिए ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी बी पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, वन रेशियो टू, इनका रेशियो वन रेशियो टू हो जाएगा, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो थेल्स थ्योरम की अपोजिट थ्योरम से पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सिमिलरली डी आर अपॉन आर सी डी एस अपॉन एस ए डी एस अपॉन एस ए, इसका वन रेशियो टू हो जाएगा। तो थेल्स थ्योरम की अपोजिट थ्योरम से होगा एस आर इज पैरेलल टू ए सी, ये इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन और टू के राइट हैंड इक्वल, ए सी के ही पैरेलल पी क्यू है, ए सी के ही पैरेलल एस आर है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। सिमिलरली वी कैन प्रूव इट कि एस पी इज पैरेलल टू क्यू आर, सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, प्रूव्ड। अब आगे क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या दिया गया है, द साइड्स साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, बी सी की साइड
बाइसेक्टेड एट डी, ये डी पर बाइसेक्ट करती, ये मिड पॉइंट है। ओ इज द एनी पॉइंट ऑन ए डी, ए डी पर कोई पॉइंट ओ है। बी ओ एंड सी ओ प्रोड्यूस्ड, बी ओ को आगे प्रोड्यूस कराया जा रहा है, सी ओ को प्रोड्यूस कराया जा रहा है, जो ए सी को ई पर मिलता है, और ए बी पर सी ओ को प्रोड्यूस कराएंगे तो एफ पर मिलेगा। प्रोड्यूस्ड मीट ए सी एंड ए बी इन ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली एंड ए डी इज प्रोड्यूस्ड, ए डी को भी आगे बढ़ाया गया है एक्स तक, सो दैट एक्स तक इस तरीके से बढ़ाते हैं कि डी इज द मिड पॉइंट, डी जो है मिड पॉइंट हो जाए किसका, ओ एक्स का। इट मीन्स ओ डी, ओ डी वाला पार्ट डी एक्स के इक्वल हो जाए इस तरीके से। तो गिवेन गिवेन अपने आप क्वेश्चन से लिख लीजिए, हमें प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ए ओ रेशियो ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ रेशियो ए बी, सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एफ ई इज पैरेलल टू बी सी। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन बी टू एक्स एंड सी टू एक्स। अब प्रूफ इसका करेंगे, बी सी एंड बी सी एंड ओ एक्स इंटरसेक्ट एट ओ, ओ बी जो है एक्स सी के पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ओ डी इज इक्वल टू डी एक्स, ओ डी इज इक्वल टू डी एक्स, ये गिवन में हो गया, और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो बी एक्स सी ई, बी एक्स सी ई इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि बी एक्स इज पैरेलल टू ओ सी हो जाएगा एंड सी एक्स इज पैरेलल टू ओ बी हो जाएगा। इन ट्रेंगल ए बी एक्स ये ए बी एक्स ये ट्रेंगल लिया गया है, इन ट्रेंगल ए बी एक्स, तो ओ बी इज पैरेलल टू बी एक्स, ओ बी इज पैरेलल टू बी एक्स है, इसलिए ए ओ अपान ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ अपान ए बी हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट ओ ए अपान ए एक्स, इसी तरीके से ओ ए अपान ओ एक्स ए एफ अपान ए बी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसी तरीके से इन ट्रेंगल ए सी एक्स लेंगे, अब इसमें ओ इज पैरेलल टू एक्स सी, तो इसमें क्या हो जाएगा ए ओ अपान ए एक्स इज इक्वल टू ए ई, ए ओ अपान ए एक्स ए ई अपान ए सी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में
लेफ्ट हैंड इक्वल हैं तो राइट हैंड इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए एफ अपान ए बी इज इक्वल टू ए ई अपान ए सी, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब जो इक्वेशन फर्स्ट से आया था ए ओ अपान ए एक्स, ये फर्स्ट वाला पार्ट पहले ही यहां पर प्रूव हो जाता है कि ए ओ रेशियो ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ रेशियो ए बी, ये फर्स्ट पार्ट यहीं पर प्रूव हो जाता है। यहां तक ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट यहां से स्टार्ट होगा। अब जब दोनों साइडों की साइडें इक्वल हैं इसकी, तो ये एफ ई जो है पैरेलल, देन एफ ई इज पैरेलल टू बी सी, ये सेकेंड पार्ट प्रूव हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है ओ इज एनी पॉइंट इन साइड ए ट्रेंगल ए बी सी, द बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी बी ओ सी सी ओ ए मीट साइड ए बी बी सी सी ए इन पॉइंट डी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोई ट्रेंगल लेते हैं ए बी सी, अब यहां पर O इज एनी पॉइंट इनसाइड ए ट्रेंगल, ट्रेंगल की इनसाइड में कोई पॉइंट O है, द बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी ए ओ बी ए ओ, ये पॉइंट हो गया O, ऐसे ज्वाइन करा लेंगे। अब ए ओ बी का बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लिया, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ए ओ बी, ये मान लीजिए डी पॉइंट है, तो ए ओ बी बी ओ डी के इक्वल है, बाइसेक्टर है, तो द बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी। इसी प्रकार से बी ओ सी का बाइसेक्टर ये मान लेते हैं, ये मान लीजिए पॉइंट ई है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो रहा है, और ए ओ सी का बाइसेक्टर ये है ओ एफ, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो इन पॉइंट डी ई एफ, ये डी ई एफ मैंने बना दिए हैं रिस्पेक्टिवली, सो दैट ये हमें शो करना है, तो गिवेन अपने आप लिख लेंगे टू प्रूव ए डी इंटू बी ई इंटू सी एफ इज इक्वल टू डी बी इंटू ई सी इंटू एफ ए, ये हमें प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन है नहीं, प्रूफ लिखेंगे इन ट्रेंगल ए ओ डी ए ओ डी, ओ डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो क्या हो जाएगा, ओ ए अपान ओ बी इज इक्वल टू ओ ए अपान डी बी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ओ ए अपान ओ बी ओ डी ओ डी अपान डी बी, ओ डी हो जाएगा यहां पर।
इसी तरीके से इन ट्रेंगल बी ओ सी ओ ई इज ये ओ ई बाइसेक्टर तो क्या हो जाएगा ओ बी अपान ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपान ओ सी बी ई अपान ई सी बी ई अपान ई सी ये इक्वेशन टू हो जाएगी। इन ट्रेंगल सी ओ ए ओ एफ इज एंगल बाइसेक्टर तो इसका क्या हो जाएगा ओ सी अपान ओ ए इज इक्वल टू सी एफ अपान एफ ए ये इक्वेशन थ्री हो जाएगी। अब इक्वेशन वन टू थ्री के को मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री ये क्या हो जाएगा ओ ए अपान ओ बी इंटू ओ बी अपान ओ सी इंटू ओ सी अपान ओ ए इज इक्वल टू ओ डी ओडी नहीं ए डी होगा यहां पर ए डी अपान डी बी इंटू बीई अपान ई सी इंटू सी एफ अपान एफ ए। अब ओ ए ओ ए कैंसिल ओ बी कैंसिल ओ सी कैंसिल ये वन आ जाएगा ए डी अपान डी बी इंटू बीई अपान ई सी इंटू सी एफ अपान एफ ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ए डी इंटू बी ई इंटू सी एफ इज इक्वल टू डी बी इंटू ई सी इंटू एफ ए ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 लेट ए डी बी द मीडियन ऑफ ट्रेंगल ए बी सी कोई ट्रेंगल ए बी सी बनाएंगे मीडियन मिड पॉइंट पर होता है ये मिड पॉइंट हो गया द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी बी ए डी बी का ये एंगल बाइसेक्टर है यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ए डी सी का बाइसेक्टर ये बना लेते हैं ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ये क्रमशः ई और एफ पर ज्वाइन मिलते हैं ये प्रूव करना है कि ई एफ इज पैरेलल टू बी सी तो गिवेन अपने आप लिख लें टू प्रूव ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे इन ट्रेंगल ए डी बी DE is ADB में DE is angle bisector of angle ADB तो क्या हो जाएगा AD upon DB is equal to AE upon EB ये equation first हो जाएगी। इसी तरीके से इन ट्रेंगल ADC DF is angle bisector of angle ADC तो क्या हो जाएगा AD upon DB DC is equal to AF upon FC। अब यहां पर ये मिड पॉइंट है यानी बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा सिंस बी डी इज इक्वल टू डी सी तो डी सी की जगह पर बी सी लिख देंगे ए डी अपान
बी ए डी अपान डी सी की जगह पर बी डी लिखना है, बी डी ए डी अपान बी डी इज इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी, ये इक्वेशन टू। अब इनके लेफ्ट हैंड इक्वेशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड इक्वल हो जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ए ई अपान ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी हो जाएगा। यानी फिगर में देखिए ए ई अपान बी ई का रेशियो ए एफ अपान एफ सी के रेशियो के इक्वल है, इट मींस साइडों के रेशियो इक्वल हैं, रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, सो ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये प्रूव हो जाएगा। थैंक यू। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज